बहुत अच्छा मिर्जा उल हुसैन पूजा मैं करा दूँ रिचार्ज जियो की भाई मिर्जा उल हुसैन करा दे मेरी रिचार्ज भाई जियो का तो रिचार्ज कराता है क्या दुकान तो खोल रखा है क्या भाई है मिर्जा उल हु पूजा करा रिचार्ज जियो की भाई मिर्जा उल हुसैन करा दे मेरी रिचार्ज भाई जियो करा दे भाई दुकानदार है क्या करा दे भाई रिचार्ज नंबर दे दो भाई सब लोग इसको मेरा नंबर दे दो पैसे भी बैलेंस ख़त्म हो रहा है ठीक है दो सौ रुपये का रिचार्ज कर दियो गरीब मास्टर हूँ भाई पैसा नहीं है दे दो भाई इसको मेरा नंबर दे दो कमेंट सेक्शन में सब लोग बहुत लेट हो गए सर क्या करूं यार बीवी आने देगी तभी तो आऊँगा क्लास लेने तो सुनते रहो जरा ध्यान से ज़्यादा मत फरफराओ आज वरना दिक्कत हो जाओ वो ओहो भाई थोड़ा आराम से पढ़ो ठीक है मेरा मिशन है कि बहुत कम टाइम में फाइव मिलियन सब्सक्राइबर करना है इसके लिए आपके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा यू नो एंड यू ऑल आर एवरी थिंग फॉर मी माई डियर फ्रेंड्स ओके सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू माई डियर जिसके आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ इसके लिए आप मुझे अन पे फॉलो कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा होगा ठीक है मेरे लिए हाँ फॉलो कर लीजिए डाउनलोड करके फॉलो कर लेना है क्या जा रहा है इतने सारे लोगों को फॉलो किए हो तो मुझे भी कर लो और एक बात और खुश रहो सब लोग खुश रहो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को शेयर तो कर ही दो फटाफट वीडियो को क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ अब शेयर ठीक है अब मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ ठीक है आप शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए तो अच्छा रहे ठीक है और अभी तक जितना भी क्लास लिया हूँ जितना भी हाँ ये तो जितनी सारी क्लासेस लिया हूँ सारी क्लास देखो ये सभी के सभी टॉप एजुकेटर्स हैं अगर आप अन अकेडमी को ज्वाइन करते हो तो देखो कई सारे आई ए एस और आई आर एस और आई पी एस ऑफिसर्स इन सभी की आपकी क्लासेस मिलती है ठीक है एंड दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी ये मेरे बारे में लिखा हुआ है आंख फाड़ के देख लो जो भी देखना है ठीक है कोई भी बच्चा दिल्ली नहीं आएगा क्लास लेने मेरा एक ही मिशन है आप ऐसा क्यों सोचते हो आज दो बच्ची मेरे को फ़ोन की सर 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 मैं दिल्ली आऊँगी पढ़ने मुझे बता दो कि कौन सा कोचिंग अच्छा है सब कोचिंग लुटेरा है सब लूट लेंगे तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरे नंबर पे कॉल करके देखना मैं तुम्हें ऐसा ऐसा चीज़ें दिखाऊँगा ना आपको रोना आ जाएगा इसलिए खुद में विश्वास करो खुद में मेहनत करो और ख़ुद से ज़्यादा खुद पर विश्वास करो है ना तो रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा बहुत जल्दी आएगा अन अकेडमी अब आपके साथ प्रॉमिस भी कर रही है आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक साल का आपको एक्स्ट्रा देगा कहे कोई कोई है कोचिंग सेंटर जो एक साल का फीस आपसे ले एक साल अगर आपका अगर आपका अगर नहीं हो पाया तो आपको बोलेंगे फिर से पढ़ने के लिए कोई नहीं बोलेंगे यहाँ पे प्रॉमिस इस तरीके की चीजें की जा रही है अन अकेडमी का नोट्स गारंटी सब्सक्रिप्शन टिलमेंस गेट एस प्लस बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन विद एवरी वन ईयर सब्सक्रिप्शन ऑन वार्ड्स अन अकेडमी प्रामिस टेस्ट थ्री लूट लो सेव कम्बो और ये ऑफर कब है ये सेवन जुलाई को लास्ट है कल ये लास्ट है कब है ये ये आपका कल है कल है ये आपका कल है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है कल ही है यानी कि अभी आप रात को बारह बजे से एडमिशन लेना शुरू कर दीजिएगा जिसको भी लेना हो और टेंशन मत लो ई पर भी दे सकते हो नहीं है पैसे ये एटी टेस्ट फिफ्टी ये इतनी सारी चीज़ें फ्री मिलेगी जिसकी कॉस्ट मार्केट के अकॉर्डिंग तीस हज़ार रुपये है मार्केट में ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगी सब कुछ फ्री में मिलेगा यू नो वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे दो साल का सब्सक्रिप्शन लोगे बाई यूजिंग माई रेफरल कोड एस के एस वन जीरो आपको थर्टी फाइव परसेंट का डिस्काउंट होगा इसका लिंक अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझसे पूछ लेना मेरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना मैं इसकी लिंक एडमिशन का लिंक अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा या कहीं भी आपको मिलेगा बस वहाँ पे करना क्या जहाँ पे एजुकेटर रेफरल कोड दिखेगा वहाँ पर रेफरल कोड के एस के एस वन जीरो कोड को अप्लाई करना है कोई भी लेटर आपसे मिस नहीं होनी चाहिए कोई भी लेटर आपसे मिस नहीं होना चाहिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई भी आपसे लेटर कोई भी लेटर आपसे मिस नहीं होना चाहिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है टेलीग्राम का चैनल बता देता हूँ अभी ठीक है ना टेलीग्राम का चैनल बता देता हूँ अभी उसके बाद ई e पर दे सकते हो आपको ट्वेंटी बुक्स मिलेंगी पैसे नहीं है तो आपको लोन मिल जाएगा लोन में कोई दिक्कत हो रही है तो भी आप मेरे से मेरी टीम से आप संपर्क कर सकते हो नीचे लोन का फॉर्म दिया है आप लोन को फिल कर सकते हो लोन के फॉर्म को फिल कर सकते हो आइकोनिक लीजिए प्लस कंटेंट सब कुछ सेम है आइकॉनिक में यू विल गेट द पर्सनल गाइडेंस मेन्टोरशिप एवरी थिंग माई डियर फ्रेंड्स यूनिट क्लियर सो यू कैन सेम आ रही है उसके बाद नॉर्मल सब्सक्रिप्शन चाहे सब्सक्रिप्शन लो आप ले सकते हो इसकी फीस ये है आप्टर डिस्काउंट यू हैव टू पे सच कैंड ऑफ दिस यूज माई रेफरल कोड एसके एस वन जीरो आई विल गाइड यू पर्सनली टिल यूर सिलेक्शन चाहे आप सिक्स मंथ का ही सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं लेते हो तीन मंथ का ही क्यों नहीं लेते हो यूनि और अभी पे भी क्लास है ठीक है ना हाँ अभी अन अकेडमी के ऐप पे भी क्लास है कना कह रहे हैं डिसलाइक कौन किया महा ढोक क्यों छोड़ दो ना सर जी वो दो मस्ट वॉच वीडियोस का लिंक कहाँ मिलेगी कौन सी दो मस्ट वॉच और आप ट्वेल्व मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको ऑप्शनल का ले लीजिएगा जिसको भी ऑप्शनल लेना हो बहुत सारे बच्चे लेने जिसने नहीं लिया किसने किसने नहीं लिया अभी तक ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन किस किसने नहीं लिया जिसने भी नहीं लिया आप ले लीजिएगा बहुत बेनिफिट होगा आपको ठीक है ना अनकेडमी अंडरवल यू आप ये सारे बेनिफिट्स हैं कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है इस बैच को आप आनंद उठाएंगे पढ़ेंगे और मेरी क्लास अन अकेडमी पर रात को आठ से दस रहती है अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ये भी दीजिएगा बाई यूजिंग जी माई रेफरल कोड फ्री टेस्ट सीरीज आप देंगे ठीक है ना ये सभी सब देंगे आपको चलिए ठीक है ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ अब मुझे आप लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चे अभी तक जो मैंने आपको जो बताया क्या आपको लर्निंग हुआ थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा मैं आपको एक बार इंट्रो दे देता हूँ है ना छोटा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ ठीक है ताकि मैं इस सेसन्स की मैं शुरुआत करूँ ठीक है मैं आपको इंट्रो दे देखिए मैंने आपको बताया था क्या मेरे प्यारे बच्चे कि ऑल का मतलब क्या होता है हंड्रेड फिफ्टी नो या नन का मतलब क्या होता है हंड्रेड हंड्रेड सम की वैल्यू क्या होती है फिफ्टी फिफ्टी सम नॉट की वैल्यू क्या होती है फिफ्टी और हंड्रेड सम नॉट की वैल्यू क्या होती है आपका फिफ्टी और हंड्रेड ठीक है ना फिफ्टी और हंड्रेड ओके सो दिस इज द थिंग्स वेरी वे सर आज इधर और निधर वाला कॉन्सेप्ट फिर से बताना हाँ इधर इधर वाला कॉन्सेप्ट आज नहीं बताऊँ वो सोच रहा हूँ कल तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा या ऐसा मैं सोचता हूँ जैसे आप कहेंगे मेरे को ठीक है ना फिर इधर निधर वाला कॉन्सेप्ट कल भी नहीं मैं परसों बता दूं ये मेरा ऐसा सोच है आप लोग का पता है क्या सोच है मेरे अकॉर्डिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा है ना अभी मैं सोचा थोड़ा सा और क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करवा दूं इसी के बिहार पे तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको सही रहेगा ठीक है ना बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना ये सारी चीज़ है ना क्योंकि मैं आपके लिए है ना क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लेके आए ठीक है ना ये मेरी ऐसी सोच है बाकी आप अपना बता दीजिए आपका क्या सोच है है ना मेरे को जो ऐसा लगता है जैसा मेरे को अभी तक लगा है मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे आपको करा दो ठीक है ना बाकी आपकी क्या सोच है ना जैसे देखिए देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी इधर और दिया है इसमें भी इधर निधर दिया सेकंड में थर्ड में नहीं दिया है ओनली फर्स्ट और थर्ड ये क्वेश्चन तो हमें लग रहा है थोड़ा अधूरा है ना क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है ना कि सही है इसमें भी नहीं है फिफ्थ में भी है इसमें है ये वाला करते हैं क्वेश्चन अब देखो लंबे चौड़े क्वेश्चन है ना लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ क्योंकि इसमें जो है ना अभी हमें थोड़ा सा है ना हमें चैन रूल भी पढ़ना पड़ेगा है ना हमें अभी थोड़ा सा चैन रूल भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए ठीक है ना हमें अभी आपको इसमें चैन रूल भी पढ़ना पड़ेगा है ना समझ में आ रहा है हाँ सर एक बार भूल गया था वन थर्टी फाइव प्लस वीडियो में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर हाँ ठीक है करें शुरुआत क्या आप सभी लोग रेडी हैं आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स रेडी हुए कमेंट कर दो हाँ समझ में आ रहा है हाँ इंडायरेक्ट कंक्लूजन होता है एक बार मैं एक बार और थोड़ा सा मैं आपको याद लाया था जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है एक बार मैं और मैं आपको थोड़ा याद करा देता हूँ एक बार और देखो एक बार और देखो एक बार और देखो देखो मैंने आपको बताया था कि कॉन्क्लूजन जो होता है एक बार देख लो यहाँ पे कॉन्क्लूजन जो होता है ये आपके दो टाइप्स के होते हैं एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन ठीक है और दूसरा क्या होता है एक होता है आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन ठीक है इनडायरेक्ट कंक्लूजन मेरे प्यारे फ्यूचर आई एस ऑफिसर यू नो डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या होता है कि आपको सिंगल स्टेटमेंट दिया होता है आपको सिंगल स्टेटमेंट यानी एक ही स्टेटमेंट से एक ही स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन को लिखा होता है जो कंक्लूजन यानी एक ही स्टेटमेंट में से यानी इसी स्टेटमेंट में से जो आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो कंक्लूजन में मिलता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वो आपका डायरेक्ट कंक्लूजन होता है वो आपका डायरेक्ट यानी एक ही स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट uh, और प्रेडिकेट uh, हो और उसी में से घुमा घुमा के लिख दिया गया कंक्लूजन में वो आपका डायरेक्ट कंक्लूजन होगा बट इफ यू टॉक्स अबाउट द इन डायरेक्ट कंक्लूजन इसमें क्या होगा मिनिमम एटलीस्ट देखिए मिनिमम आपको दो स्टेटमेंट दिए होंगे आपको पता है ना मिनिमम आपको दो स्टेटमेंट दिए होते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन में मिनिमम दो मैक्सिमम जितना भी दे सकता है भाई तीन भी दे सकता है चार भी पांच भी छह भी सात भी आठ भी नौ भी दस भी वो उसकी मर्जी है भाई वो कितना भी दे दे अपन को उससे कोई फर्क ना पड़ने वाला ठीक है तो आज मैं इसी को बताऊंगा तो इसी में है ना मिनिमम दो बाकी उस दोनों स्टेटमेंट चाहे दो स्टेटमेंट दे दे तीन दे दे चार दे दे पांच दे दे छह दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इन स्टेटमेंट में से जो कॉमन होगा कॉमन को हटा करके जो आपका दिया जाएगा कंक्लूजन जो लिखा जाएगा वो होगा आपका इंडाइट कंक्लूजन तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आज मैं एक छोटा सा मैं आपको चैन रूल कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ चैन रूल बताता हूँ क्या बताता हूँ चैन रूल बताता हूँ आखिर ये चैन रूल का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ चैन रूल बताता हूँ तो ये हम लोग क्या आप सभी लोग चैन रूल के लिए तैयार हैं अगर आप सभी स्टूडेंट्स अगर आप सभी स्टूडेंट चैन रूल के लिए तैयार हैं एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि यस सर आई एम रेडी फॉर दिस चैन रूल है ना एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए है ना अगर आप लिखिए तो फटाफट लिखिए एक बार सभी लोग लिखिए चैन रूल थोड़ा चैन रूल लिखिए आराम से पढ़ो देखो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप बिल्कुल आराम से पढ़िए है ना ऐसा नहीं हो सकता कि इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं होगा इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा ठीक है ना मेरे भरोसे हैं इसलिए आप हमेशा लाइव देखते हो हमेशा अच्छे तरीके से नोट डाउन करते चलो थोड़ा मैं ए सी चला लेता हूँ एक सेकेंड गर्मी लग रही है ना ठीक है ठीक है देखिए चैन रूल का मतलब क्या होता है आप सभी लोग ध्यान से देखना ध्यान से देखना मान लो देखो मान लो कि आपके सामने देखो इधर देखो मान लो कि ये आपके सामने स्टेटमेंट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है ठीक है थर्ड स्टेटमेंट है अब ध्यान से सुनते रहिए अच्छे तरीके से है ना अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है पॉजिटिव दूसरा स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव तीसरा स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव ध्यान रखिए तो भाई फर्स्ट से सेकेंड का रिजल्ट बनेगा क्यों क्योंकि पॉजिटिव 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 होता है दूसरे से तीसरे का रिजल्ट बनेगा क्यों क्योंकि पॉजिटिव 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 होता है 아침, तो क्या आप कह सकते हो ना कि फर्स्ट से थर्ड का फर्स्ट से थर्ड का रिजल्ट बनेगा बिल्कुल बनेगा बिल्कुल बनेगा बिल्कुल बनेगा यस या नो बिल्कुल बनेगा अच्छा मान लो कि फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है मान के चलो कि फर्स्ट से थर्ड का रिजल्ट बन रहा है फर्स्ट से थर्ड का रिजल्ट फर्स्ट से सेकंड का रिजल्ट बन रहा है लेकिन सेकंड से थर्ड का रिजल्ट नहीं बन रहा है इससे इसका रिजल्ट नहीं बन रहा है फर्स्ट से थर्ड का रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा ना यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है इसका मतलब क्या है कहोगे सर कैसे नहीं बन रहा है मान के चलो सुनो मान के चलो कि ये प्लस है और ये माइनस तो प्लस माइनस रिजल्ट बन सकता है कुछ भी लेकिन यहां अगर माइनस हो तो माइनस माइनस क्या होता है माइनस 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 नो रिजल्ट पता है ना आपको भाई प्लस 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 होता है प्लस माइनस होगा तो रिजल्ट तो बनेगा ही नहीं कुछ नहीं बनेगा इसलिए देखिए नहीं आएगा समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता आप पेशेंस बनाए रखो जिन आपको पेशेंस रखिए आपको समझ में आएगा हाँ नो रिजल्ट बनेगा ठीक है इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि क्योंकि यहाँ पे चेन टूट गई ना अगर यो भाई यो चेन टूट जाएंगे तो फिर कैसे होगी बात ये क्या हो गया इसको ऐसी फरफराहट हो गई क्या हो गया मास्टर को कुछ भी हो होना अन अकेडमी के ऐप पे भी क्लास अभी इलेवन फिफ्टी एट पी एम है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तुरंत अन अकेडमी के ऐप पे जंप कर जाना अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत अन अकेडमी के ऐप पे जम्प कर जाना अन अकेडमी आपको डाउनलोड कर लेना है ना और वहां पे मुझे देखना मेरे टेलीग्राम पे हो या नहीं हो सब नहीं हो टेलीग्राम पे तुरंत गूगल पे जाना गूगल पे गूगल गूगल बाबा वहां पे सर्च करना एस एस एम सर आई आई टी दे एस एस एम एस एस एम फिर स्पेस सर ब्रैकेट में आई आई टी आई आई टी लिख देना ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको मेरे बारे में सब कुछ डिटेल आ जाएगा ठीक है वहाँ से आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा ठीक है आराम से मस्त कूल होकर पढ़ो कूल होके पढ़ो कोई दिमाग में टेंशन लेना डेली रात को आ रहा हूँ कोई छुट्टी फुट्टी कुछ भी नहीं आराम से पढ़ो कोई जल्दबाजी नहीं है बहुत टाइम है अभी प्रम्स के लिए बहुत कुछ होगा तो ये बात है मेरे प्यार बच्चों इसलिए मैं समझा समझाना हो देखिए अब सुनिए जैसे मान लो फर्स्ट सेकेंड और ये आपका थर्ड है फर्स्ट सेकंड आपका थर्ड है तो फर्स्ट सेकंड ये आपका थर्ड है अब मुझे बताओ फर्स्ट से सेकंड का रिजल्ट नहीं बना क्यों नहीं बना इसका मतलब तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस है और सेकंड से थर्ड का रिजल्ट बन गया तो क्या बताओ फर्स्ट से थर्ड का रिजल्ट बनेगा फर्स्ट से थर्ड का रिजल्ट बनेगा फर्स्ट से थर्ड का रिजल्ट बनेगा।, बनेगा खाना खा लिए सर खाना नहीं खाए भेजोगे खाना तब तो जोमेटो से ऑर्डर कर दो तो खाए ठीक है बात समझ में आ रही है तो फर्स्ट से थर्ड क्या रिजल्ट नहीं बनेगा क्यों क्योंकि क्यों भाई यहाँ चेन ब्रेक हो गई सिंपल सा फंड है सिंपल सिम्पल बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कुछ भी हो कॉमन टर्म में कॉमन टर्म में हंड्रेड होना चाहिए कॉमन टर्म में हंड्रेड होना चाहिए कॉमन टर्म शुड बी हंड्रेड कॉमन टर्म शुड बी हंड्रेड कॉमन टर्म शुड बी हंड्रेड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या आपके भुजाओं में पावर है क्या आप सभी लोग मेरे साथ रेडी हो क्या मैं आपको क्वेश्चन दे दू अब क्या मैं अब आपको क्वेश्चन दे दू मेरे प्यारे फ्यूचर आई एस ऑफिसर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दे दूँ क्वेश्चन अब देखो तो आप आराम से सॉल्व करना आराम से सॉल्व करना ठीक है ना तो मैं थोड़ा सा पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूँ ठीक है ना पहले मैं आपको सोच रहा हूँ कि पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दूँ ठीक है ना तो ये तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा, सा इसमें थोड़ा बहुत अजीब अजीब वर्ड लिखे ऐसा करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँ तो मुझे लग रहा है ज़्यादा सही रहेगा है ना एक सेकेंड रुकिए ना मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन है अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये ज़्यादा सही रहेगा ना नहीं है ना इस क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा नहीं है ना मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा है ना टेलीग्राम पे जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है वहां पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा है ना यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा लिखिए क्वेश्चन सभी लोग क्वेश्चन लिखिए लिखिए ऑल ए आर बी फर्स्ट लिखिए फर्स्ट लिखिए और स्टेटमेंट लिखिए स्टेटमेंट लिखिए स्टेटमेंट ऑल अभी आप क्लास है ए आर बी सेकेंड लिखिए ऑल बी आर सी थर्ड लिखिए थर्ड लिखिए ऑल बी आर सी थर्ड लिखिए ऑल सी आर डी ऑल सी आर डी ये आपका स्टेटमेंट है ठीक है ना कंक्लूजन देखिए फर्स्ट ऑल ए आर सी सेकेंड ऑल सी आर ए फ ऑल ए आर सी ऑल सी आर ए थर्ड लिखिए थर्ड लिखिए सम ए आर समी आर डी थर्ड सम बी आर डी है ना नेक्स्ट लिखिए सम ए आर सी सम ए आर सी सम ए आर सी फिफ्थ लिखिए ऑल डी आर बी ऑल डी आर बी और सम बी आर डी ऑल बी आर डी ऑल बी आर डी बी आर डी ओके लिखा तो नहीं है ना ऑल बी आर डी सिक्स लिखे सम बी आर डी ऑल बी आर डी ऑल डी आर बी है ना A -R D है ना A -R D नेक्स्ट लिखे सम ए आर डी बिल्कुल आराम से देखो उसी बच्चों को आएगा समझ में जो क्लास को स्टार्टिंग से अटेंड कर रहा होगा आराम से समझ से सर जी ई कॉमन वाला डाउट है एक एग्जाम्पल दीजिए समझने के लिए सरिता जी वही दे रहा हूँ है ना सब ने नोट डाउन कर लिया आराम से देवलिना सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग लाइक कर दीजिए अभी अन अकेडमी के आप पे फिर से हमारी क्लास है कल एडमिशन का लास्ट डेट है ओके सो इफ़ यू आर वेरी सीरियस देन यू कैन टेक द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन कोल वही बच्चा लेना रेफरल कोड एस के एस वन जीरो कोड को वही बच्चा यूज करना है एस के एस वन जीरो पूरे अन अकेडमी किसी भी कोर्सेस लिए जो मेरे साथ कनेक्टिविटी रख के प्रिपेयर करना चाहता है ऑल आर करेक्ट सबके सब करेक्ट हो गए क्या ये कैसे हो सकता है भैया सब कैसे करेक्ट हो सकता है सबसे फर्स्ट स्टेप क्या चेक करोगे फर्स्ट स्टेप क्या चेक करोगे देखो ए ऑल और 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 की वैल्यू क्या होती है हंड्रेड और फिफ्टी अच्छा दोनों में कॉमन क्या है आपका बी कॉमन है में, ध्यान से देखो ध्यान से दोनों में कॉमन क्या है बी बी कॉमन है बी कॉमन है ठीक है ना अगर दोनों में कॉमन आपका बी भी कॉमन है तो कॉमन टर्म शुड बी हंड्रेड तो भाई यो बी जो है हंड्रेड है इसका मतलब ए और सी का रिलेशन ए और सी ए और सी ए और सी और, और ये ए क्या है? ये है आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन है क्यों क्योंकि फर्स्ट प्लस सेकंड से मिलकर बनाए ए और सी यहां भी है फोर्थ वाला भी क्या है आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन फर्स्ट प्लस सेकंड से मिलकर बनाए किसी को कोई फरफराहट कोई फरफराट नहीं पहले डायरेक्ट डी है, 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 है।, तो मतलब है मतलब दोनों में कॉमन क्या है दूसरे और तीसरे में देखो दूसरे और तीसरे में सी सी कॉमन है आराम से समझिए टाइम जरूर लगेगा लेकिन एक बार आपने टाइम दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से समझो आराम से कूल होकर के कोई जल्दबाजी नहीं क्योंकि दो क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है इसलिए कि आपको आराम से पढ़ के आना है अच्छे तरह यूपीएससी अच्छे से समझती है मास्टर कितना भी पढ़ा दे ये टॉपिक बच्चा पढ़ने वाला नहीं है बच्चा गलत करेगा लेकिन हम लोग आराम से पढ़ेंगे ठीक है ना हाय वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो सी सी कॉमन है तो सी में हंड्रेड है इसका मतलब बी और डी का रिलेशन है ये क्या है ये आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन है यानी कि आपका सेकंड प्लस थर्ड से लिया गया है ये भी आपका इनडायरेक्ट है है ना ये आपका किससे लिया गया सेकंड प्लस थर्ड से लिया गया अच्छा ए और डी देखिए ए और डी ए और डी ये भी आपका इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि दो से अधिक से लिया गया है सिक्स को देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड से लिया गया किसी को कोई दिक्कत ए और डी बाद में आ रही है क्यों ए और डी में देखो यहां बी बी कॉमन है यहां सी सी कॉमन है इसलिए इसलिए समझ में आ रहा है इसलिए बात समझ में सबको आ रही है सबको समझ में आ रही है हेलो 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 माय डियर फ्यूचर आई एस ऑफिस सिक्स वाले को आराम से समझिए सिक्स वाले को पहले आराम से पढ़ो अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो जैसे अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है आराम से है ना आराम से समझिए ठीक है सबको समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है सर कुछ हो ना मैं समझा कुछ नहीं समझे तो मैं क्या करूं यार बताइए आप ही बताइए क्या कर सकते हैं? बताओ मैं क्या कर सकता हूँ बताओ अब मुझे बताओ क्या क्या कर सकते हैं ठीक है अब देखिए ध्यान से अब देखिए ध्यान से अब देखो सभी लोग ध्यान से अच्छा ये वाला क्या है आपका पॉजिटिव है ये क्या है ये भी आपका पॉजिटिव है ये क्या है आपके भी पॉजिटिव है अच्छा ये भी पॉजिटिव है 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 इसको तो चेक करना ही नहीं सब पॉजिटिव है क्या दिक्कत है क्योंकि भाई देखो पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा आएगा ना पॉजिटिव ही कोई दिक्कत ही नहीं है अब देखो ऑल की वैल्यू क्या होती है आपकी हंड्रेड ये होती है फिफ्टी इस ऑल की वैल्यू क्या होती है हंड्रेड ये होती है फिफ्टी अब ध्यान से देखिएगा आप अच्छे तरीके से यहाँ सम की वैल्यू क्या होती है आपकी फिफ्टी यहाँ फिफ्टी आराम से सम की वैल्यू क्या होती है फिफ्टी फिफ्टी ऑल की वैल्यू क्या होती है हंड्रेड फिफ्टी सम की वैल्यू क्या होती है आपकी फिफ्टी फिफ्टी यस या नो बिल्कुल आराम से समझिए अब देखो ये ए पे हंड्रेड है फर्स्ट और सेकंड से लिया गया है तो ए पे हंड्रेड है तो हंड्रेड है बिल्कुल सही है सी पे फिफ्टी है बिल्कुल फिफ्टी है फर्स्ट आपका सही होगा फर्स्ट कंक्लूजन आपका सही है फर्स्ट कंक्लूजन आपका सही है मेरे प्यारे बच्चे जब तक वीडियो डिलीट नहीं होता वीडियो वीडियो हटाया नहीं जा रहा है तब तक आप क्लास को एक दो बार तीन बार देख लीजिए किसी दिन ऐसा टाइम आएगा जिस दिन मैं इकट्ठे पचास क्वेश्चन लेकर के आऊँगा इसका फिफ्टी क्वेश्चन एक ही बार सुबह से लेकर के शाम तक महा मैराथन सेशन ले लूंगा महा मैराथन

अलॉन्ग विथ संगीता ओ oh माई गॉड दानिश अभिनव शर्मा है ना ड्रिंक वाटर सर पानी पी लो पानी तो है ही नहीं कहाँ है पानी पानी कहीं का दिखता नहीं है नेक्स्ट देखो सम और ये ये आपका दूसरे और तीसरे से है थर्ड वाला तो बी पे फिफ्टी है या हंड्रेड पे हंड्रेड हंड्रेड में से फिफ्टी जाएगा येस yes. डी पे फिफ्टी है हंड्रेड में से फिफ्टी जाएगा यस yes. थर्ड वाला आपका सही है थर्ड वाला आपका सही है फोर्थ वाला देखिए सम ए आर्थी ये फर्स्ट और सेकेंड से लिया गया फिर से ए पे हंड्रेड है हंड्रेड में से फिफ्टी जाएगा यस सी पे फिफ्टी फिफ्टी में फिफ्टी जाएगा यस फोर्थ भी सही है क्या किसी को कोई फर्क फरकरार सर पर अब बोले हैं कॉमन वाला हंड्रेड होना चाहिए हाँ तो कॉमन वाला हंड्रेड है ना कॉमन वाला हंड्रेड तो है हम कॉमन वाला हंड्रेड तो है जिसको भी नहीं समझ में आता अन अकेडमी के आप पे बार बार पूछा करो बार 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 ओके बार बार एक बार नहीं बार बार ठीक है ना मेरा आंसर सही था ठीक है ना आराम से देखिए नेक्स्ट ये है आपका दूसरे और तीसरे से लिया गया फिफ्थ वाला तो बी पे हंड्रेड है और यहाँ बी पे हंड्रेड है हंड्रेड में से हंड्रेड जाएगा यस भाई आपको स्टेटमेंट में से कॉन्क्लूजन वाले को माइनस करना है स्टेटमेंट में से कॉन्क्लूजन वाले को माइनस करना है हंड्रेड में से हंड्रेड को आप माइनस करोगे बिल्कुल जाएगा फिर ये आपका डी पे फिफ्टी है फिफ्टी फिफ्टी जाएगा यस फिफ्थ भी आपका सही है सिक्स देखिए सम ए आर डी भाई ए पे यहाँ पे फिफ्टी है हंड्रेड या फिफ्टी है, 50 है। बिल्कुल यानी ऑल आर सही थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स आर करेक्ट आराम से एक लाइन से तीनों वीडियो को देखिए कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेशन है यहाँ पे फिर परसों इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा ठीक है ना सर नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी मुझे तो मैं क्या करूँ नींद नहीं आ रही है तो बताओ है टी शर्ट हटा के टी शर्ट हटा करके नाचू नींद आ जाए समझ में आ रही है आ रही बात समझ में और सुनो कल जो है ना कल जो मैं सेशन यहाँ पे लेने वाला हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सेशन तो वो मैं इसी का लूंगा सारा जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं ना इसीलो जो मैं कह सारा लूंगा ठीक है ना इधर और नीदर वर्ल्ड वाला परसों पढ़ाऊंगा और एस सी का मैंने टेलीग्राम पर मैंने भेज दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने करीब मैंने फोर्टी टू फिफ्टी का अराउंड मैंने क्वेश्चन भेजे हैं ठीक है ना तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा इसमें जिसको भी जो डाउट होगा कल पीडीएफ निकाल के रहना कल मैं कल का सेशन में कल डाउट फू आउट्स क्लियर करूंगा ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा है ना एक आराम एक, एक से देखो क्लियर है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इज इट क्लियर इज इट क्लियर आई एम योर ग्रेट फैंसर प्लीज गि मिस शूट आउट ठीक है ठीक है ठीक है गॉड प्रज हाय वेरी गुड सर सिक्स कंक्लूजन कैसे वन और टू थ्री स्टेटमेंट से आता है वेरी गुड आप देखिए नहीं क्या सिक्स वाला अभी देखिए फिर से नेक्स्ट कराता हूं आपको मैं फिर से नेक्स्ट कराता लिखिए फिर से लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए अब इसको देखना ध्यान से थोड़ा तो टाइम लगा के करना सॉल्व है ना आप जल्दीबाजी मत किया करो टाइम लगा अगर आप सीखने आए तो टाइम लगो फर्स्ट लिखिए ऑल ए आर बी सेकेंड ऑल बी आर सी थर्ड लिखिए सम सी आर डी ये आपके सामने तीन स्टेटमेंट है सम डी आर डी सम सी आर डी है ना अब यहां से मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं अब मैं यहां से आपको कंक्लूजन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं ऑल ए आर सी सेकेंड R A. ऑल ए आर सी सम सी आर ए है ना इसी को आप लिख लीजिए फिर से सम ए आर सी है ना आराम से लिखो फोर्थ फोर्थ लिखो ऑल बी आर डी फिर लिखिए तो सम बी आर डी ऑल बी आर डी फिफ्थ लिखिए सम बी आर नॉट डी सम बी आर नॉट डी फिर नेक्स्ट लिखिए सम ए आर डी सम डी आर ए सम ए आर डी सम डी आर एम डी आर इसको नोट डाउन करिए आराम से है ना इसको आराम से नोट डाउन करो टाइम लगा के कोई सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए ना प्लीज लीजिए कमेंट सेक्शन में देखिए भर भर के जा रहा है ये देखिए कमेंट सेक्शन में दे दो भाई इनको जरा दे दो देखो देख लो अलग अलग तरीके से मेरे नाम से आ रहा होगा ऐसे समा आई डी लूट लीजिए जितना लूटना है कल लास्ट डेट है एडमिशन का कल लास्ट डेट है जिसको भी कोई क्वेरी चाहिए यू कैन आस्क मी थ्रू माई व्हाट्सअप कॉलिंग ओके जिट क्लियर दिख रहा है आपको ध्यान से दिखा ले लीजिए आराम से लूट लीजिए बच्चों के अंदर पढ़ाई करने का जोश धीरे धीरे कम हो रहा है पहले दिन इतना दूसरे दिन इतना तीसरे दिन महाकम कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है दिख रहा है हाय हेलो 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 पढ़ाई करने में किसको मन लगता है यार ये तो मजबूरी है जो आदमी पढ़ता है नहीं है ना है है ना इट्स इनफ है ना पढ़ाई करने में किसको मन लगता है किसी को थोड़ी ना मन लगता है पढ़ाई करने में इस उम्र में पढ़ने में मन लगे अगर इस उम्र में इस उम्र में अगर पढ़ाई में मन लगे तो आर्चरी के जो शॉप सब नहीं है गिफ्ट विफ्ट के शॉप वाला गिफ्ट का शॉप हो गया दारू का ठेका हो गया ये सब बेचारे भूखे मर जाएंगे नहीं सिगरेट का दुकान हो गया ये सब भूखे मर जाएंगे पढ़ाई करने में मन लगेगा क्लब हो गया बार रेस्टोरेंट्स हो गया है ना जब हर किसी का मन पढ़ाई में लग जाएगा तो उधर कौन जाएगा हैं गिफ्ट कौन देगा रोज़ डे दे। कौन कौन सा डे होता है हग डे फग डे धो डे है ना ये सारा डे कौन मनाएगा भाई है नोट डाउन करो हर किसी को पढ़ाई में थोड़ी मन लगता है, है? जब सबका मन पढ़ाई में लग जाएगा तो फिर मज़े लेगा कौन है अच्छी बात है नहीं लगना चाहिए अगर सब पढ़ ही लेगा तो तुम्हारा ड्राइवर कौन बनेगा छोटे मोटे इधर उधर कौन जाएगा इसलिए मैंने अब सोच लिया कोई बात नहीं थोड़ा तो एक दो दिन और इंतज़ार कर रहा हूँ उसके बाद देखा जाएगा कमान कमान एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए मेरे भाई बार बार कहता हूं समय अधिक नहीं चाहिए उसी समय में अधिक चाहिए अगर प्लान कर रहे हो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना है आईएएस की तैयारी करना है अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो बन चाहे सेकेंड ईयर में हो तो आप कल दो साल वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना ले ले ले, दो साल वाला एडमिशन ले लेना ले ले ले। बाई यूजिंग माई रेफरल कोड एस के एस वन जीरो क्यों इतनी बार बोल रहा हूँ वाई यू विल टेक द अन अकेडमिक सब्सक्रिप्शन बाई यूजिंग माई रेफरल कोड एसके एस वन जीरो अगर मान के चलो आपका दो साल में नहीं हुआ क्लियर एग्जाम आपको एक साल का मौका और मिलेगी अब बुक्स भी मिलेगा ठीक है ना जितना बच्चा स्कूल को एडमिशन लेना चाहता है कोई कॉल बात करनी है टेलीग्राम के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ठीक है फटाफट कमान हो, 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 हो।, हो गया करूँ मैं सॉल्व मैं करूँ सर मैं करूँ सॉल्व करूँ सॉल्व कमेंट सेक्शन देखते रहे करूँ सॉल्व चलिए देखिए ध्यान से अभियान अकेडमी की आप पे भी क्लास है ठीक है ना अब देखो स्वाभिक जो है ये पूजा से पूछना पूजा योर ऑप्शनल अरे भाई पहले यहाँ पढ़ लो ना यार सारी तुम दिल की बात एक ही दिन करना चाहते हो कैसे काम चलेगा है तुम सारी बात मेरे से करो ना अभी जो जो पूछना है, है मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या कर, पढ़ाई करो ना भाई पढ़ाई करो अब देखो ये ए और सी है ए और सी है ए और सी है भाई जो ए सी ए सी है इसका मतलब ए और सी है ये तीन आइटम जो है ये आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा किस किस से फर्स्ट प्लस सेकंड से होगा स्टेटमेंट से देखो क्योंकि ऐसे दोनों में बी बी कॉमन है और दोनों में हंड्रेड ए का मतलब ऑल का मतलब देखिए ऑल का मतलब हंड्रेड फिफ्टी सम का मतलब आपका फिफ्टी फिफ्टी ठीक है और मैं क्या कहने वाला था ठीक हाँ, है ओके नेक्स्ट है आपका बी डी बी डी देखो ऑल बी और डी डी बी बी यानी दोनों में कॉमन क्या है सी सी है तो कौन कौन सा है बी बी डी डी मेरे प्यारे बच्चे ये ये दोनों है तो ये है आपका, ये भी है बी बी डी तो आपका आपका ए इनडायरेक्ट क्यों दूसरे प्लस तीसरे से अच्छा दोनों में कॉमन क्या है इसमें सी कॉमन है ऑल की वैल्यू क्या होगा हंड्रेड फिफ्टी सी की वैल्यू क्या होगी फिफ्टी फिफ्टी अब यहां पे आप थोड़ा तो रुको कमेंट मत करना कोई भी कोई भी कमेंट मत करना रुक जाओ मेरे प्यारे फ्यूचर आई ऑफिसर ऑफिस रुक जाइए 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 कोई कमेंट मत करिए रुक जाइए अभी कोई कमेंट मत करना कोई भी कोई कमेंट मत करो यार रुको ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा रुक जाओ प्लीज स्टॉप ये जहां पे आप गलत करोगे मैं वो बात आप आप मत कुछ कमेंट करो कमेंट मत करो अरे कमेंट हो सर कौन सा क्लास चल रहा है यहाँ क्लास नहीं चल रहा है यहाँ फॉक चल रहा है क्लास नहीं चल रहा है कमेंट मत करो कोई भी इधर देखो तुम तुम बहुत कहीं कमेंट करो देखो मैंने आपको बताया था नहीं कि जो भी कॉमन हो कॉमन टर्म शुड भी वैल्यू हंड्रेड जो कॉमन होगा कॉमन में से हंड्रेड होना चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चे ये सी सी है बट वही सी में क्या हंड्रेड है कहीं सी तो है साहब कॉमन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में ध्यान से समझो सेकंड और थर्ड में सी कॉमन है लेकिन क्या कहीं सी के जगह हंड्रेड है सर बिल्कुल नहीं है हंड्रेड सी के जगह बिल्कुल हंड्रेड नहीं है जब हंड्रेड ही नहीं है तो बी और डी का रिलेशन थोड़ी ना बनेगा तो बी और डी तो इसका मतलब फोर्थ भी गलत हो गया फिफ्थ भी गलत हो गया भाई जब अगर जब अगर दूसरे से तीसरे का कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा बी और डी का जब यहां से यहां कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है तो एक से तीन का क्या रिलेशन बनेगा ए और डी ए और डी क्या ए और और डी डी ए का रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा इसलिए सिक्स तो सब क्योंकि यहां चैन टूट गई ना यहां चैन टूट गई ना यस क्या नो गुरु जी आपका चरण की धारा सॉरी सर आज आंसर राइटिंग में थोड़ा टाइम मिस हो गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं मेरी बात समझ में आ रही है सबको मैं आपको क्या समझाना पा आई एम फ्रॉम जर्मनी एंड प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस आई वन टू टेक एडमिशन और एन सर हाउ शुड आई रीच यू ए जॉब को मेरा नंबर दे दो ले लो भाई तुम कमेंट सेक्शन में देखो ध्यान से मेरे पास बहुत सारे बच्चे प्रिपेरेशन करे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक जर्मन का बच्चा भी है वो भी सी सी की तैयारी कर रहा है वहीं से आपको पता है सर जर्मनी का क्योंकि वहाँ पे चेंज है क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल की जो पढ़ाई होती है तो दूसरे कॉलेज में जाने के लिए वहाँ पे शायद एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है अगर आप जर्मनी से हैं इसलिए मेरे बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे अन अकेडमी पर मेरे कोर्स भी परचेज़ किया हुआ है तो यू कैन डू परचेज यू कैन टेक द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बाई यूजिंग मेरा एसके एस वन किसी भी में है ना ठीक है इसलिए ठीक है अब बात समझ में आ गया आ गया आप समझ में अब आ गया सबको समझ में आ गया समझ में यस तो अब आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सोचना है अब देखो ऑल की वैल्यू क्या होती है ऑल की वैल्यू होती है हंड्रेड फिफ्टी सम की वैल्यू क्या होती है फिफ्टी फिफ्टी सम की वैल्यू क्या होती है आपके फिफ्टी फिफ्टी अब देखो ध्यान से भाई अगर ये ऑल का रिलेशन है ना ऑल से तो सम वाला तो हंड्रेड परसेंट सही होता तो है आपको ट्रिक भी बताया था तो चेक भी कर लो हंड्रेड परसेंट आपका सही होगा ए पे भाई देखो सी पे फिफ्टी है फिफ्टी गया और ए पे हंड्रेड है हंड्रेड में से फिफ्टी जाएगा बिल्कुल सही होगा है ना ए पे हंड्रेड है हंड्रेड में से फिफ्टी जाएगा बिल्कुल सही है सी पे फिफ्टी है फिफ्टी जाएगा बिल्कुल सही मैंने बताया था ना जो ऑल से जो सम का होता है वो नाइन्टी नाइन परसेंट तो चीजें सही होती है आप ऐसे भी ट्रिक याद रख सकते हो जो मैंने आपको अन अकेडमी के ऐप पे बताया था सो वन ऑफ माई फ्रेंड रिकमेंडेड यू जो को दैट्स वाई एम टेलिंग यू ओके यू कैन सी हेयर इन द कमेंट सेक्शन ओके एंड डोंट वरी अबाउट इट डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ओके नाउ कंक्लूजन फर्स्ट का देखिए ऑल ए आर सी ऑल ए आर सी तो ऑल ए एक हंड्रेड में से हंड्रेड सी फिफ्टी बिल्कुल सही है ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉन्क्लूजन आर करेक्ट सर ओनली फर्स्ट सेवन कॉन्क्लूजन आर बिकॉज ऑफ दो एनी मतलब की जो क्या कहते हैं कॉमन जो थार इज नो एनी वैल्यू ऑफ हंड्रेड इन द कॉमन टर्म दैट वाई द कॉन्क्लूजन इज फोर फाइव सिक्स एंड सेवन फ्यूचर कलेक्टर कौन कौन बनना चाहता है मगर रास्ता मालूम नहीं है कैसे पहुंचे हम अभी क्लास ट्वेल्थ में है क्या करें अभी तुम मजा मारो ट्वेल्थ में हो गर्लफ्रेंड वगैरह बनाओ घूमो बेटा ठीक है ना वरना अगर नहीं ऐसा करना चाहते हो तो दो साल का सब्सक्रिप्शन कल सुबह सुबह ले लेना इस कोड का यूज करके तीन साल का मौका मिलेगा ठीक है अब बात समझ में आ रही है अब बात समझ में आ रही है एक और क्वेश्चन दू क्या थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दू कैन वन मोर क्वेश्चन एट मिनट्स है मेरे पास बट मैं चाहता नहीं हूं कि आपको और दे दूं अगर आप कहोगे तो मैं दे दू है ना ओनली एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार इतने सारे बच्चे को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए प्लीज यू कैन डू लाइक एक और क्वेश्चन दू सुनो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है ठीक है ना अभी डमी के ऐप पे भी क्लास है ठीक है ना उसके बाद क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है ना, मैं आपको बता या तो मैं बता लिखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत सारे इसके कंक्लूजन दूंगा so are are yes, जिसको भी लेना हो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए लेट्स क्रैक यूपीएससी विद संजय कुमार अभी कनेक्ट करिए ज्वाइन करिए यूट्यूब पे आपको गूगल पे सर्च करो मेरे नाम से फटाफट फड़ कमेक्ट हो जाओ नहीं नहीं अन अकेडमी के आप पे तो देंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे सभी लोग फटाफट क्वेश्चन लिखिए फटफट 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 तेजी में और अभी कर लेना अन अकेडमी के आप पे आ जाना अभी वहीं पे दिखा देना ठीक है ना लिखो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट लिखो लिखो आराम से यूपीएससी की औकात है क्या क्वेश्चन कितना भी लेवल लेके जाए हम आपको करा देंगे क्लियर आप टेंशन मत लीजिए आपका लेवल आराम से ऊपर जाएगा ऑल ए आर बी सेकेंड लिखिए ऑल ए आर बी सेकेंड लिखिए ऑल बी आर सी ऑल बी आर सी थर्ड लिखिए ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी एंड थर्ड लिखिए थर्ड लिखिए नहीं ऑल बी आर सी लिखो ऑल बी आर सी लिखो थोड़ा टफ बना था नन बी आर सी ऑल ए आर बी नन बी आर सी थर्ड लिखिए ऑल डी आर सी ऑल डी आर सी ऑल आर सी ठीक है ना अब आप कंक्लूजन लिखिए कंक्लूजन स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना है ना क्योंकि सोलह क्वेश्चन करिए थर्ड लिखिए माई डियर फ्रेंड्स ऑल ए आर सी ऑल ए आर सी फोर्थ लिखिए सम आर सी सम बी आर सी फिफ्थ लिखिए सम ए आर नॉट सी सिक्स लिखिए सम सी आर नॉट ए है ना सिक्स हो गया सेवंथ लिखिए नन बी आर डी नन बी आर डी नन बी आर डी एट लिखिए नन डी आर वी अभी अन अकेडमी के ऐप पे भी क्लास है डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल दिया है संजय कुमार साहब प्रोफाइल वहाँ पे आपको क्लिक करना है अरे भैया इतना सर प्लीज़ वीडियो देखो सीखे चांद तुम इतना वीडियो इतना बार तुम कमेंट करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊँगा देखो फिर तो तुम इत, मैं तुम्हारे शादी में नहीं आऊँगा फिर तुम देखो तुम इतना बार कमेंट मत करो प्लीज इतनी बार कमेंट मत करो इतनी बार कमेंट कमेंट मत करो सीखो है ना इतनी बार कमेंट मत करो प्लीज है ना इतनी बार कमेंट मत करो पढ़ाने दो मुझे है ना पढ़ाने दो ठीक है नेक्स्ट लिखे सम बी आर नॉट डी है ना अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा मेरा संजय कुमार साहब प्रोफाइल लिंक इस वीडियो के नीचे देखो ना वहाँ से आप फॉलो कर लो गोल में यू पी एस सी कर लेना ठीक है ना और वहाँ फिर अनलॉक कोड पूछा जाएगा तो वहाँ पे एस के स्टैंड कोड कर लेना अगर आप जब भी देख हो तभी आप कर लो मेरे फ्री लेक्चर्स अन अकेडमी के आप पे होती हैं है ना

इरेज कर दूँ माय डियर फ्रेंड्स सर मैं प्लस लेना चाहता हूं कैसे लूं भाई संदीप सिंह प्लस आ जाता बेटा डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर जा रहा है कॉन्टैक्ट इस पर तुम मुझे क्लास पर तुरंत कॉल कर लियो कल लास्ट डेट है कल जो है ना लास्ट डेट है देखो कमेंट सेक्शन में तुरंत प्लास्ट कॉल करना कल लास्ट डेट है है ना फटाफट एडमिशन लेना थर्टी फाइव परसेंट बुक भी मिलेगा बाई यूजिंग माई रेफरल कोड एस के एस वन जीरो हम आपको हमारी टीम पूरी आपको हेल्प कर देगी ठीक है ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आगे चलूँ क्या मैं इसको आगे चलूँ फटाफट कितना टाइम हो गया फिफ्टी फाइव हो गया दो से तीन मिनट का टाइम है इतना ही रहने दो क्या नहीं नहीं थोड़ा और दे देता हूँ थोड़ा और दे देता हूँ है ना हाँ और दे देता हूँ इस सीट में है ना और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा पी डी एफ वगैरह के लिए ठीक है ना इतना हो गया थर्टीन हो गया ऑल ए आर डी सेकेंड ऑल डी आर ए है ना इतने क्वेश्चन रहने दो है ना इतना क्वेश्चन अभी और रहने दो ठीक है ना हा, हाँ हाँ अरे इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपकी हुँ? इतना टेंशन ले रहे हैं आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं मेरे रहते हुए आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आपको इतना टेंशन लेने के लिए किसने कहा बताइए आपको इतना टेंशन लेने के लिए किसने कहा आपको इतना टेंशन नहीं लेना है मेरे बच्चे यू डोंट हैव टू टेक सच काइंड ऑफ टेंशन ओके आप देखिए ध्यान से इस पॉइंट को याद रखिए इस पॉइंट को याद रखिए सफल होना है तो इतना जरूर करो एक तो खुद से वादा दूसरा मेहनत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना सब लोग एक तो खुद से वादा करो यस सर मेरे अंदर है मेहनत करने का हुनर और मैं बनूंगा जरूर आई ऑफिसर मेहनत करने खुद से वादा करो किसी और से वादा मत करो समझ में आ रहा है खुद से प्रॉमिस करो दूसरा मेहनत ज्यादा करो और तीसरा मजबूत इरादा करो यही आपके एग्जाम बेटा अभी बोलो यही जो है ना आपको इस एग्जाम क्लियर कराएगा तब मैं बार बार कहता हूं अगर आपको पढ़ने का अप्रोच नहीं पता क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए कैसे अगर आप अन अकेडमी प्लस को ज्वाइन करते हो यूजिंग माई रेफरल कोड एस के एस वन जीरो मिस ना हो जाए अन अकेडमी की तरफ से अगर आपके पास कॉल भी आता है तो बड़ा ही ध्यान से आप इस कोड को इस्तेमाल करिए बाई यूजिंग माई रेफरल कोड एस के किसी भी कोर्सेज के लिए आई विल गाइड यू पर्सनली कैसे पढ़ना चाहिए कैसे रिविजन करना चाहिए कैसे हेल्प करना चाहिए एवरीथिंग आई विल गाइड यू पर्सनली इज इट क्लियर हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ वो अभी आ रहा हूँ एक सेकंड रुको भाई ये लो जा 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 ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा हमेशा है ना हर पूरी जर्नी में मैं आपका साथ दूंगा पर्सनली आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा इस जर्नी में चाहे कुछ भी हो जाए है ना यू कैन सी देयर इज इट क्लियर सो डोंट थिंक मचोर अबाउट इट टुमारो विल बी द लास्ट डे सेवेंथ जुलाई है ना आप एडमिशन ले सकते हैं है ना किसी भी कोर्सेज में है ना आपको थर्टी फाइव परसेंट के आसपास आपको डिस्काउंट मिलेगा ठीक है ना ये देखो सेवेंथ जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफर एंड और सेवन जुलाई सो फर्स्ट हरे मॉर्निंग फटाफट ले लेना एडमिशन क्योंकि सर्वर डाउन हो जाएगा सुबह लेना अभी अन अकेडमी के आप पे आ जाइए क्लास के लिए फटाफट अभी आप अन अकेडमी के ऐप पे आ जाइए क्लास के लिए वहाँ पर मैं लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे देता हूँ अनअकेडमी आपको डाउनलोड करके वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिए ठीक है ना अभी फटाफट में अन अकेडमी के लिंक में आपको जो भी नीचे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है प्लीज वीडियो के लिंक को कॉपी करके शेयर कीजिएगा कैसा लगा क्लास ऑफलाइन मोड में जरूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ठीक है ना गारंटे सीरीज है ना मैं अभी मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ है ना अभी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ ठीक है ना है ना अभी इस जो ये वीडियो है ना अभी मैं तुरंत टेलीग्राम में देखो या नहीं तो मैं आपको यहीं या नहीं तो मैं आपको यहीं शेयर कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में देखो देखो मैं कमेंट सेक्शन में आपको देखो यहीं देखो मैं शेयर करता हूँ कमेंट सेक्शन में सभी लोग देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन जो बच्चे फर्स्ट टाइम हो आप कमेंट सेक्शन में देखो यस यस अरे आप मेरे साथ आइए ना मेहनत करिए ना हम आपको मेहनत करने का तरीका बता देंगे ठीक है एक मिनट देखिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में देखो आपको जा रहा होगा मेरा लिंक जा रहा होगा अभी क्लास का लिंक जा रहा है कमेंट सेक्शन में वहीं पे आप क्लिक करके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए यहीं पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर, कर लीजिए दिख रहा है आपको कमेंट सेक्शन में देखो दिख रहा होगा आपको दिख रहा है सभी को दिख रहा है आपको ठीक है बाकी आइए हडाउ क्लास पे आ जाइए जवंत क्लास वहाँ पे और वहाँ पे आ जाइए है ना मैं ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ वन सेकेंड थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय